हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ एन्जॉय कुकिंग। आज हम हमारे किचन में बनाने जा रहे हैं तिल पट्टी। तो आइए बिना देर के जानते हैं इसकी रेसिपी। तो फ्रेंड्स, तिल पट्टी बनाने के लिए हमें लेना है एक बाउल तिल और एक बाउल क्रश किया हुआ गुड़, एक चम्मच घी और थोड़े से पिस्ता काट के रखना है और थोड़ी सी इलायची कूट के रखनी है। सबसे पहले हमें तिल को कढ़ाई में डालकर सेक लेना है। ध्यान रहे गैस स्लो ही रहे, नहीं तो तिल हमारे जल जाएंगे। जैसे ही हमारे तिल सेक जाएंगे, इसमें से थोड़ी थोड़ी आवाज़ आएगी तड़ तड़ की, तभी हमें गैस बंद कर देना है और तिल को प्लेट में निकाल लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे तिल सिक गए हैं, इसमें से आवाज़ भी आ रही है। अब हम गैस बंद कर देंगे और तिल को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमें इसी कढ़ाई में यह एक चम्मच घी डालना है। और इसमें डालेंगे यह क्रश किया हुआ गुड़। और इसे लो फ्लेम पर ही हम मेल्ट करेंगे। गैस को बिल्कुल भी फास्ट नहीं करना है, इसे धीरे धीरे ही मेल्ट होने दें। कढ़ाई हमारी गर्म है तो यह जल्दी ही मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि गुड़ भी हमने क्रश करके ही डाला है। जब तक हमारा गुड़ गर्म हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, तब तक मैंने यह पाटला और बेलन को घी लगा के रख दिया है, क्योंकि यह हमें अभी यूज करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा गुड़ मेल्ट हो गया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे एक सीक्रेट चीज, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें हम डालेंगे एक चम्मच जितनी शक्कर। शक्कर डालने से हमारी चिक्की है, ये जो हमारी तिल पट्टी है, यह कुरकुरी हो जाएगी। अब हमें फिर से इसे अच्छे से मिक्स करना है, जब तक कि शक्कर और गुड़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। यह हमारा गुड़ तैयार हो गया है, शक्कर मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे यह इलायची पाउडर और यह तिल और इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। देखिए यह हो गया है, गैस को बंद कर देंगे और इसे हम पाटले पे निकाल लेंगे। इसे हमें थोड़ा ठंडा करना है, हाथ में थोड़ा घी लगाना है और इसे इस तरह थोड़ा कूटना है ताकि यह अच्छे से एकसार हो जाए। अब हम इसे दो पार्ट में कर लेंगे और इसे एक एक करके बेल लेंगे। ये देखिए, मैंने नीचे प्लास्टिक रखा है और ये ऊपर भी प्लास्टिक रखा है। और अब इसे आपको पतला चाहिए मोटा चाहिए वैसे आप रखना। ये देखिए, अब इसमें थोड़ा सा पिस्ता डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह हम दूसरा वाला भी इसी तरह। इस पर भी ये मैंने पिस्ता डाल दिया है, नहीं तो पिस्ता चिपकेंगे नहीं। और आप इसको बेल लेंगे। आप इसे चौरस या गोल कैसे भी बेल सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे भी हमने रोल कर लिया अच्छे से। आप चाहे तो इसे गोली रखिए, आप चाहे तो इसके
छोटे छोटे टुकड़े करके काट सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जल्दी सूख जाएगा और कड़क हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कड़क हो गई है, अब हम इसे काट लेंगे। ये कड़क हो गई इसलिए थोड़ा इसे इस तरह ही हमें काटना होगा थोड़ा सा, क्योंकि ये कड़क हो गई है। तो फ्रेंड्स, यह देखिए मैंने हमारी तिल पट्टी को रेक्टेंगल शेप में काट लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू, एंजॉय कुकिंग।